चॉकलेट टार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 125 ग्राम बटर, 75 ग्राम आइसिंग शुगर। स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे, बटर और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह इसको क्रीमी कर लेंगे। बटर और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 160 ग्राम फ्लोर और 20 ग्राम हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लोर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच पानी। दोबारा इसको हल करेंगे इसके अंदर। चॉकलेट टार्ट की डो हमारी रेडी है। जिधर हमने पानी ऐड किया है उधर हम दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका टेक्सचर। ये टेक्सचर होना चाहिए इसका। डो हमारी रेडी है, अब हम इसको पैन में ऐड करेंगे। लूज बॉटम पैन ले लेना है और जो हमारी चॉकलेट टार्ट की जो डो है वो इसके अंदर लगा देनी है। नाइफ की मदद से जो एक्स्ट्रा डो है हमारी वो हम काट देंगे इसको ताकि हमारी प्रॉपर शेप आ जाए। नाइफ की मदद से हम नीचे कट लगा देंगे ताकि हमारा जो टार्ट की डो है बेक होने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ ना आए। 150 की हीट पे 20 मिनट के लिए अब हम इसको बेक करेंगे। टार्ट शेल को ठंडा होने के बाद अब हम इसको तैयार करेंगे। विप क्रीम लेंगे दो चम्मच, उसके अंदर गनाश डालेंगे। गनाश बनाने का तरीका ये है कि अगर आप 100 ग्राम चॉकलेट ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम ही आपका दूध जाएगा। तो मैंने बनाई है 250 ग्राम की, उसमें मैंने 250 ग्राम ही दूध ऐड किया है। चॉकलेट क्रीम हमारी रेडी है। चॉकलेट वॉलनट टार्ट के लिए बेस पे हम लगाएंगे वॉलनट। 50 ग्राम हमने वॉलनट लगाए, इसको बेस के ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट क्रीम। पाइपन की मदद से चॉकलेट क्रीम की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर देंगे। इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडा करने के बाद अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे चॉकलेट गनाश की। चॉकलेट गनाश को आपने थोड़ा सा वार्म कर लेना है रनिंग में हो ताकि इसके ऊपर प्रॉपर अप्लाई हो जाए। चॉकलेट गनाश को इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद अब हम इसको फ्रीजर में दोबारा रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ठंडा करने के बाद अब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। मिल्की चॉकलेट की लाइनें लगाएंगे। फाइनल करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे।